नमस्कार, मैं रतन सिंह भारती। आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि अगर आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फर्जी है क्या। इस तरह की खबरें जो है इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में खूब चल रही है, तो आप भी जानिए कि आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सही है या नहीं। इसके बारे में आप कैसे खोजेंगे, कैसे जानेंगे इंटरनेट पर, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी दस्तावेजों में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास यह कागजात नहीं है तो गाड़ी चलाते समय आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियम के अनुसार अब तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही साथ आपको 3 महीने की जेल की सज़ा भी हो सकती है। ठीक इसी तरह का नियम आपको अगर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप इस दौरान पकड़े जाते हैं तो आपको भी इन्हीं सजाओं में, एक तरह से कह लें कि इन्हीं कानूनी सजाओं में आपको प्रावधान देने का भी है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सही नहीं है तो आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इस ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2019 में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि देश में मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में से हर तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया कि नए मोटर वाहन एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर भी रोक लगानी जाएगी, साथ ही साथ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के पास चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई के जरिए टेस्ट करवाने जाइए और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करिए, यानी कि ऑनलाइन आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए। उसके बाद आपका एक तय समय आएगा कि इस दिन आपको जो है जाकर टेस्ट देना है, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए और एक तय सीमा के बाद जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा। नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार यह बताया गया है कि NCRB के आंकड़ों के हवाले से यह बताया गया कि हर साल सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। इधर सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार सड़क पर होने वाले हादसों में वैसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो कि ड्राइविंग ठीक से नहीं जानते हैं। ये लोग फर्जी तरीके से ड्राइविंग बनवाकर सड़कों पर जो है चलते हैं, यानी कि तेज़ गाड़ियां चलाते हैं। बता दें कि RTO की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट लेने के बाद ही उन्हें जो है ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। बता दें कि इस दौरान 2-व्हीलर हो या फिर 4-व्हीलर गाड़ियों को चलवा कर देखा जाता है, यानी कि जब भी RTO की तरफ से जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है उसमें उन्हें जो है टेस्टिंग के बाद ही उन्हें जो है लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सड़कों पर होने वाले हादसों में अनट्रेन ड्राइवरों की संख्या ज़्यादा है। अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस सही नहीं है तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। आप इन स्टेप को, जिसको कि हम आगे आपको बताने वाले हैं, उसको फॉलो करें और आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जांच करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग .gov.in परिवहन हैच की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको जाना होगा। इस साइट पर जाने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक कर चुके होंगे तो आपके सामने सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको अपने राज्य का चुनाव करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक अलग विंडो खुलेगा जहाँ आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सर्विस ऑन DL का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके सामने जो है कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आपको क्लिक करना है और आपके सामने एक अलग से विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको अपना DL नंबर और जन्मतिथि और राज्य या फिर इस सब चीज़ों में से जो भी आपको चुनाव करना हो उसको आपको जो है चुनना होगा। इस पूरी प्रोसेस के करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने DL की पूरी डिटेल जो है सामने आ जाएगी। यदि आपके DL की डिटेल सामने ना आए तो समझ लीजिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो गलत है, वो फर्जी है। तो इसलिए अगर आपको जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है तो सरकार की तरफ से दी गई जो वेबसाइट है परिवहन gov.in पर जाके वहाँ पे जाने के बाद आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें और आपको जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है चेक हो जाएगा कि वो सही है या फिर गलत है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।